हमारी प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश एक आनंददायक उत्सव, मेमने का विवाह आपहुंचा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 7। मेरे मित्र शेरोन का निधन, मेरे मित्र देव की किशोर बेटी मेलिसा की मृत्यु से 1 साल पहले हुई। वे दोनों दुखद कार दुर्घटनाओं में मारे गए थे। एक रात शेरोन और मेलिसा दोनों ही मेरे सपने में थे। वे खिलखिलाते और बातें करते हुए एक बड़े उत्सव हाल में सजावट कर रहे थे और मेरे उस हाल में प्रवेश करने पर उन्होंने मुझे अनदेखा किया। सफ़ेद टेबल क्लॉथ के साथ एक लंबी मेज पर सुनहरी प्लेटें और कटोरे सजे हुए थे। मैंने पूछा कि क्या मैं सजाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन वे मुझे नहीं सुने और काम करते रहे। लेकिन फिर शेरोन ने कहा, यह पार्टी मेलिसा के विवाह का स्वागत समारोह है। दूल्हा कौन है, मैंने पूछा। दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराती हुई एक दूसरे को जानबूझकर देखा। अंत में मुझे समझ में आया, यह यीशु है। यीशु दूल्हा है। उठते समय मैं फुसफुसाई। मेरा सपना हर्षित उत्सव की बात मन में लाता है, जो यीशु में विश्वासी उसके लौटने पर एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। यह प्रकाशित वाक्य में एक भव्य भोज के रूप में चित्रित किया है, जिसे मेमने के विवाह का भोज संबोधित किया गया है। 19:9 अध्याय 19:9 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने, जिसने मसीह के पहले आगमन के लिए लोगों को तैयार किया था, उसे परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है संबोधित किया था। यूहन्ना अध्याय 1:29 उसने यीशु को दूल्हा और खुद को दोस्त बेस्ट मैन की तरह भी संदर्भित किया, जो उसके लिए इंतजार कर रहा था। अध्याय 3:29 उस भोज के दिन और समस्त अनंत काल के लिए हम यीशु हमारे दूल्हे और शेरोन और मेलिसा और परमेश्वर के सभी लोगों के साथ अटूट स्थायी सहभागिता का आनंद लेंगे। आपके लिए क्षमा और अनंत जीवन के लिए यीशु के पास आने के लिए उसने निमंत्रण का क्या मतलब है? उसके निमंत्रण का क्या मतलब है आपके लिए? क्षमा और अनंत जीवन के लिए यीशु के पास आने के लिए उसके निमंत्रण का क्या मतलब है? आप अपनी कहानी को किसे बता सकते हैं? हे यीशु, मैं उत्सव के उस दिन के लिए और आपको देखने के लिए तत्पर हूँ। जल्दी आइए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस अध्ययन में मसीह के आखिरी विजय के विषय लेखिका एनी सिटास। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 12 फरवरी 2021। धन्यवाद।